आज का जो टॉपिक है ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे जावास्क्रिप्ट में। तो ऑपरेटर्स के लिए हम यहाँ पर आते हैं, देखिए हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर होता है एक, एक हमारे पास है कंपैरिजन ऑपरेटर एंड लास्ट वन हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर को। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, वेरिएबल को मैं एक नाम असाइन करता हूँ, यहाँ पर मैं असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर हम इसको वैल्यू असाइन करते हैं 10, राइट। सेम इन द केस यहाँ पर मैं बी को कॉल करता हूँ, बी के बाद यहाँ पर मैं इसको वैल्यू देता हूँ 10। यहाँ पर मैं तीसरा वेरिएबल लेता हूँ, यहाँ पर इसको मैं सी करता हूँ या आंसर इसको नाम असाइन कर दे और यहाँ पर आप कर दे ए प्लस बी, ठीक है। अलर्ट में आ जाए, अलर्ट रिकॉल करें आप किस चीज़ को, आंसर को, आंसर कॉल करते हैं। यहाँ पर मैं इसको रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 20 हमारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है। अब एक तो मेथड ये हुआ, दूसरा अगर मैं इसको कमेंट में लेता हूँ और ए प्लस बी यहाँ पर लिखता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो सेम परफॉर्मेंस हमारे पास यहाँ पर होगी। अब यहाँ पर फिलहाल के लिए हम इस मेथड को यूज़ करते हैं, राइट। मैं प्लस को हटाता हूँ, प्लस मीन एडिशन ऑपरेटर, इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्शन करता हूँ तो आंसर क्या होगा, जीरो। यहाँ पर अगर मैं डिवीजन यूज करता हूँ तो वन आएगा। अगर यहाँ पर मैं मॉडुलस यूज करता हूँ, मॉडुलस मीन जो रिमाइंडर हमारे पास बचता हो उसे हम कहते हैं मॉडुलस, ठीक है। मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहां पर और सेकंड नंबर पे यूज करते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन मीन एक दूसरे वैल्यू को वो कंपेयर करेगा। तो अगर मैं यहां पर वेरिएबल लेता हूं ए 10, वेरिएबल बी इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहां पर मैं यूज करूंगा इफ स्टेटमेंट, इफ If A is equal to B, अगर A जो है वो B के बराबर हो तो हमारे पास आंसर आ जाए अलर्ट ट्रू, ठीक है। अगर आंसर हमारे पास फॉल्स हो तो अलर्ट में हम लिख लेंगे फॉल्स, फॉल्स, ठीक है। रिफ्रेश करता हूं तो आंसर, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, ठीक है, क्योंकि ए जो है वो बी के बराबर नहीं है। अगर यहां पर मैं यूज करता हूं ट्रिपल असाइनमेंट ऑपरेटर, रिफ्रेश करता हूं तो वही फॉल्स आएगा। ये एक दूसरे वैल्यू को कंपेयर कर रहा है लेकिन दोनों ये एज अ इंटीजर गेन कर रहा है। अगर यहां पर मैं यूज करता हूं कोई भी स्ट्रिंग, अब ये डेटा टाइप चेक करेगा कि हमारे पास जो बी की वैल्यू है वो आया एंटीजर है या स्ट्रिंग वैल्यू है। इसको रिफ्रेश करता हूं मैं तो अब हमारे पास आ जाएगा फॉल्स। अगर मैं वैल्यू को यहां पर बराबर भी करता हूं, 10 भी करता हूं, तब भी हमारे पास फॉल्स ही आएगा, राइट। अगर मैं इस वैल्यू को स्ट्रिंग वैल्यू से हटाता हूं, रिफ्रेश करता हूं तो ट्रू आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम 3 टाइम्स यूज करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर तो वो फिर क्या चेक करेगा, डेटा टाइप्स को चेक करेगा, क्लियर। सेम इन द केस यहां पर मैं यूज करता हूं ए इज लेस देन बी, ए बी से लेस है और अब लेस है तो आंसर क्या आएगा, ट्रू। अगर यहां पर मैं लेट से 20 करता हूं और यहां पर मैं 10, अब क्या आएगा आंसर, फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो बी से लेस नहीं है, ग्रेटर है। सेम इन द केस ए इज ग्रेटर देन बी, रिफ्रेश, ट्रू आ जाएगा क्योंकि ए जो है वो हमारे पास बी से ग्रेटर है, बड़ा है, राइट। ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, अब फर्स्ट कंडीशन क्या चेक होगी, फर्स्ट कंडीशन हमारे पास कौन सा चेक होगा, ग्रेटर, और सेकंड
इक्वल, तो यहाँ पर ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू बी, तो ये भी हमारे पास हो जाएगा ट्रू ट्रू राइट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे ए इज लेस देन और इक्वल टू बी, अब आ जाएगा हमारे पास फॉल्स, क्योंकि ए जो है वो ना तो वो ग्रेटर है लेस है और ना वो इक्वल है, ठीक है। ए इज नॉट इक्वल टू बी ट्रू, ए जो है वो बी के, अगर मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ रिफ्रेश करता हूँ तो हमारे पास फॉल्स आ रहा है, ठीक है। मतलब ये अपोजिट कॉल करता है, अगर हमारे पास कंडीशन ट्रू हो तो वो फॉल्स शो करेगा, अगर फॉल्स हो तो वो ट्रू शो करेगा, क्लियर। एनी क्वेश्चन यहाँ तक? इसके बाद आते हैं लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल में क्या होता है, लॉजिकल में हम एंड और को यूज करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज करता हूँ लेट से के एक वेरिएबल यूजर, यूजर इसका क्या हो एडमिन, एंड पासवर्ड इसका क्या हो, पासवर्ड इसका हो ठीक है इफ यूजर, इफ यूजर इक्वल टू एडमिन एंड पासवर्ड इक्वल टू पास 1 2 3 4 5। अगर अगरचे ये ठीक हो हमारे पास यूजर और पासवर्ड, तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा, जो भी आपने यहाँ पे लिखना हो, तो लेट से वेलकम, हमारे पास वेलकम मैसेज आ जाएगा। एल्स पे जाते हैं, एल्स में अगर हम इस तरह अलर्ट करते हैं, कॉल करते हैं, रिफ्रेश करता हूँ, तो हमारे पास आ जाएगा कि समथिंग वेंट रॉन्ग, ठीक है। अब आंसर क्या आ रहा है, वेलकम, क्योंकि यूजर एडमिन के बराबर है और पासवर्ड पासवर्ड के बराबर है। अगर यहाँ पर मैं ए को हटाता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ तो समथिंग वेंट रॉन्ग आ जाएगा, ठीक है। अगर और यूज करते हैं तो फिर क्या होगा, सॉरी और इस तरह यूज करेंगे, अगर और यूज करते हैं तो फिर अब हमारे पास आ जाएगा वेलकम, क्योंकि दोनों में से एक कंडीशन जो है वो हमारे पास ट्रू होगा। अगर एंड यूज करते हैं तो बोथ कंडीशन हमारे पास ट्रू होने चाहिए, राइट। एनी क्वेश्चन? ये हमारे पास था लॉजिकल ऑपरेटर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर नए टॉपिक डिस्कस करेंगे।